जब आप इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं तो इनको टर्म्स या डिलीवरी टर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनको टर्म्स, जिसको टर्म्स ऑफ इनवॉइस या डिलीवरी टर्म्स भी कहा जाता है, यही डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी ट्रांसपोर्ट करेगी, फ्रेट करेगी, कस्टम क्लियरेंस करेगी, शिपिंग करेगी एंड बाकी सारी चीज़ें करेगी। इनको टर्म्स से डिसाइड करता है कि फ्रॉम फैक्ट्री टू डिलीवरी किसका रोल कितना रहने वाला है, यानी क्या फ्रॉम फैक्ट्री टू डिलीवरी सारा रिस्क सप्लायर का रहेगा या फिर उसकी जिम्मेदारी गुड्स को शिप में लोड करने तक की रहेगी या फिर वो गुड्स को बस मैन्युफैक्चर करेगा एंड अपने दरवाजे पर या वेयरहाउस पर छोड़ देगा और वहाँ से लेके इंडियन फैक्ट्री तक लाने की पूरी जिम्मेदारी एज एन इंपोर्टर आपकी रहने वाली है। इनको टर्म्स को इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भी कहा जाता है। टोटल 11 इनको टर्म्स होते हैं। 1936 में इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया था और 10 टाइम इनको अपडेट भी किया था। लास्ट अपडेट 2020 में किया गया था। वैसे तो मैं आपको पूरे 11 इनको टर्म्स के बारे में बता सकता हूं, बट ये वीडियो अननेसेसरी की लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 5 सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनको टर्म्स बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा सेफ है एंड एज अ न्यू इंपोर्टर आपको भी वही इनको टर्म्स पे अपना पहला इंपोर्ट या दूसरा तीसरा इंपोर्ट भी करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट वीडियोस लाता रहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंपोर्ट या सैंपल इंपोर्ट करने की। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी बल्क इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार सैंपल इंपोर्ट जरूर करना चाहिए। वैसे तो 90% लोग करते भी है, बट कुछ 1% जो लोग नहीं करते उनके लिए ये है। जब भी आप सैंपल इंपोर्ट करते हैं या कोई और प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं फॉर पर्सनल यूज, तो वो कुरियर के थ्रू आता है, यानी बाई एयर आता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी सैंपल इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा वो आप पर्सनल इंपोर्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं, वो पूरा पर्सनल इंपोर्ट में भी अप्लाई करेगा। जब भी आप कोई सैंपल इंपोर्ट करते हैं तो उसको DDP या DDU टर्म में ही इंपोर्ट करना चाहिए। ये दो सबसे ज्यादा सेफेस्ट टर्म है अमंग ऑल द इनको टर्म्स। DDP और DDU दोनों टर्म्स में ही फ्रॉम फैक्ट्री टू डिलीवरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क सप्लायर की होती है। इन दोनों टर्म्स में सेलर आपसे एट द टाइम ऑफ परचेज ही शिपिंग का सारा कॉस्ट ले लेता है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो आपको बस एक ट्रैकिंग नंबर देता है जिसके थ्रू आप अपनी शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या करंट स्टेटस चल रहा है। इस केस में जनरली सप्लायर आपका शिपमेंट FedEx, DHL, Aramex जैसे लार्ज कुरियर पार्टनर्स को हैंडओवर कर देता है और वहां से सारा काम ये कुरियर कंपनीज ही करती है, फ्रॉम पिकिंग अप द पार्सल फ्रॉम द फैक्ट्री टू अरेंजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट टू कस्टम क्लियरेंस टू आपको प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आना और इंडिया में कस्टम क्लियरेंस करा के आपके दरवाजे तक डिलीवर भी करना। वैसे तो DDP और DDU टर्म्स बिल्कुल ही एक जैसा होता है, बस DDU टर्म में एक फर्क होता है कि इन केस ऑफ DDU आपको इंडिया में पार्सल आने के बाद आपको कस्टम ड्यूटी अलग से पे करनी पड़ती है। और जब भी आप बात करते हैं चाइना की अलीबाबा से या डायरेक्ट किसी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट एज अ सैंपल या पर्सनल इंपोर्ट करने की, तो वो आपको जनरली DDU टर्म्स पे ही देता है, यानी जब वो प्रोडक्ट आपका इंडिया में आएगा एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू योर डोरस्टेप आपसे कस्टम ड्यूटी लिया जाएगा बाय दिस कुरियर पार्टनर्स। ये कुरियर पार्टनर्स आपको जनरली एक इनवॉइस रेज करते हैं जिसमें कि पूरा ब्रेकडाउन होता है कि कितना आपका क्या आपका HS कोड है, कितना आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा है, क्या कितना आपका GST लगा है। तो अब बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटी आपको पे कैसे करनी है। कस्टम ड्यूटी आपको इन लोगों के वेबसाइट पे जाके या इनके द्वारा दिए गए किसी भी तरह के लिंक के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। इस बात का खास ध्यान रखना है क्योंकि पीछे कई तरह के ऐसे स्कैम हुए हैं जहां पे कि कोई कस्टम ऑफिसर बनके आपको कॉल करता है और बोलता है कि आपने जो पार्सल मंगवाया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर केस होगा, आपको डरा धमका के थर्ड बंदे के अकाउंट नंबर पे बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, फिर वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। इस तरह के कई सारे स्कैम पीछे हो चुके हैं कस्टम ड्यूटी के नाम पे। तो उस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि कस्टम ड्यूटी जो पे होगी वो इन लोगों की वेबसाइट पे या इन लोगों के दिए हुए लिंक के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट होगी, पेमेंट गेटवे के थ्रू। पर्सनल इंपोर्ट के लिए आप DDP, अगर आपका सप्लाई DDP देता है तो वेल एंड गुड है, या तो आपको DDU टर्म्स ही चुनना है। और अगर आप पर्सनल इंपोर्ट करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक था, क्योंकि आगे मैं डिस्कस करूंगा कमर्शियल इंपोर्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं कमर्शियल इंपोर्ट के बारे में। अब जब आपको एक अच्छा सप्लायर मिल गया है, आपकी प्राइसिंग मैच हो गई है, आपने सैंपल इंपोर्ट करा के उसको अप्रूव भी कर दिया है, तो अब बात आती है बल्क में प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की। कमर्शियल शिपमेंट आप सैंपल इंपोर्ट जैसे पर्सनल ID पे नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको प्रॉपर IC, GST, पैन, आधार, करंट अकाउंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे क्या रिक्वायरमेंट है या आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए इंडिया में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने आई बटन में एक वीडियो दिया है, उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बात किया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए और किस तरह से प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन चेक करना है बिफोर इंपोर्टिंग एनी प्रोडक्ट। तो कमर्शियल इंपोर्ट में जो 3 सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनको टर्म्स हैं वो है एक्सवर्क्स, FOB और CIF। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सवर्क्स की। इस टर्म का मतलब है कि आपका सप्लायर गुड्स को बस आप अपने फैक्ट्री या दरवाजे के बाहर छोड़ देगा, वहां से लेके आपके फैक्ट्री, इंडिया के फैक्ट्री तक का जितना ट्रांसपोर्ट है, जितना कंप्लाइंस है, जितना मूवमेंट है, वो सारा आपको करना पड़ता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क आपकी रहती है, फ्रॉम पिकिंग अप द गुड्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, ओरिजिन कस्टम क्लियरेंस, सी फ्रेट, एयर फ्रेट, इंडिया में आने के बाद आप लोगों का इंडिया में कस्टम क्लियरेंस से लेके आपके डिलीवरी दरवाजे तक डिलीवरी करने तक का जितना रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सारा आपको लिया जाता है। ये जो टर्म्स है ये जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपोर्टर्स ही चुनते हैं। एज अ न्यू एक्सपोर्टर ये मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपके पास रहता है, आप पूरा का पूरा प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट न्यू इंपोर्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड और सबसे ज़्यादा यूज़
होने वाला टर्म्स ऑफ इनवॉइस है FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ पे सप्लायर की जिम्मेदारी गुड्स को शिप में चढ़ाने तक की होती है और सारा का सारा रिस्क एंड कॉस्ट भी सप्लायर ही बेयर करता है। मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, फैक्ट्री से पोर्ट तक लेके जाना, ओरिजिन पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस कराना, पोर्ट हैंडलिंग करके शिप में लोड कर देना, यहाँ तक का जितना खर्चा और रिस्क है वो सप्लायर ही बेयर करता है। यहाँ पे शिप के ओरिजिन से निकलने के बाद सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। अब बात करते हैं सबसे सेफेस्ट टर्म व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल इंपोर्ट, वो है CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये टर्म बिल्कुल FOB जैसा ही होता है, बट यहाँ पे सप्लायर की जिम्मेदारी गुड्स को डेस्टिनेशन यानी इंडिया के पोर्ट तक पहुंचाने तक की होती है और यहां तक का जितना कॉस्ट है इंक्लूडिंग सी फ्रेट ये सप्लायर ही बेयर करता है। गुड्स को पैक करना, लोड करना, ट्रांसपोर्ट करना, ओरिजिन में कस्टम क्लियरेंस कराना, शिपिंग कराना, पोर्ट हैंडलिंग कराना, शिपिंग कॉस्ट बेयर करना, इंडिया के डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाना, सारा सप्लायर ही खुद ही करता है। एक बार शिप इंडिया के पोर्ट में लग गया तब जाके सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है और शिप इंडिया में लगने के बाद आपका अपॉइंट किया हुआ फ्रेट फॉरवर्डर वहां से सारी चीजें हैंडल कर लेता है। सारे बिगिनर यही टर्म यूज करते हैं, एज अ न्यू इंपोर्टर आपको भी यही टर्म यूज करना चाहिए। इसमें आप लोगों का ज्यादा टेंशन नहीं होता क्योंकि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क शिपिंग आपका सप्लायर ही कर देता है और आपको बस अपना शिपमेंट ट्रैक करना होता है, इंडिया में आने के बाद आपका फ्रेट फॉरवर्डर बाकी चीजें हैंडल कर लेता है। तो ये वो तीन टर्म है जो कि एज अ कमर्शियल इंपोर्ट, जब भी आप कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं तो इन टर्म्स को आप सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। सबसे सेफ है CIF, उसके बाद है FOB और सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है आपके पास एक्सवर्क्स में और सबसे ज्यादा रिस्क भी आपका एक्सवर्क्स में ही होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर रहने वाला है वो आपका इंडियन फ्रेट फॉरवर्डर या CIH। इसलिए कुछ भी इंपोर्ट करने से पहले एक बार अपने फॉरवर्डर या CIH से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों को मेरे से अच्छा ही कंसल्ट कर पाएगा क्योंकि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, 2 साल बाद इस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाए। तो इसीलिए इट्स बेटर कि ऑलवेज कंसल्ट योर CHA एंड एक्सपोर्टर बिफोर इंपोर्टिंग एनी प्रोडक्ट इनटू इंडिया। और हाँ, अगर 1% कोई CHA आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तो उसको चौड़े में ये वीडियो भेज देना, बोल देना कि मैं ग्लोबल व्यापार को फॉलो करता हूँ। और अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं फॉर योर फर्स्ट शिपमेंट है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वें शिपमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, कंप्लाइंस से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं और मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको इनकोटर्म, डिलीवरी टर्म या टर्म्स ऑफ इनवॉइस रिलेटेड जितनी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और क्रिएटर के 10-15 मिनट की लंबी बोरिंग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जाने से पहले एक बात बोलूंगा कि इस पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का आपका सबसे बड़ा हथियार रहने वाला है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।